नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के होमगार्ड जवान अब बनेंगे मॉडल। सीएम नीतीश कुमार ने बिजली बचाने के सुझाए उपाय। सावन की दूसरी सोमवारी कल प्रशासन चौकस। बिहार में यहां 31 अगस्त तक पहुंचेगा गंगा का पानी। आज भारत की नजर सीरीज पर कब्जा करने की। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के होमगार्ड जवान अब बनेंगे मॉडर्न। बिहार में होमगार्ड जवान अब मॉडर्न अंदाज में नजर आने वाले हैं, क्योंकि बिहार में होमगार्ड जवानों को मॉडर्न बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिसके तहत ही बिहार के होमगार्ड के जवानों को अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन हथियारों में SLR, इंसास व AK-47 जैसे अत्याधुनिक शामिल है। हथियार ट्रेनिंग के दौरान जवानों को हथियार को असेंबल करना, मैगजीन लोड करना, साफ सफाई करने और नियंत्रित करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, होमगार्ड मुख्यालय से मिले निर्देश 200 जवानों का आधुनिक हथियार की ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया है। सभी जवानों को अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। होमगार्ड जवानों को नए अत्याधुनिक हथियार को लेकर मुजफ्फरपुर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 120 दिनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रावणी मेला का जोश दिखा, श्रद्धालुओं के बीच इतने लाख कांवड़िए पैदल देवघर हुए रवाना। श्रावणी मेला का आयोजन इस बार कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद किया जा रहा है। सुल्तानगंज में बिहार, बंगाल, झारखंड के साथ देश के विभिन्न राज्यों में शिवभक्त पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक को लेकर शिवभक्तों ने खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहां से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िया देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर पैदल कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार सावन महीने में शनिवार की शाम 5 बजे तक 6,13,699 कांवड़िए सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल देवघर गए। वाहनों और अन्य मंदिरों में जल भरकर जाने वाले कांवड़ियों को जोड़ने पर संख्या 7 लाख से अधिक पहुंच जाएगा। अनुमान के अनुसार रविवार के बाद कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। नगरपालिका चुनाव की तैयारियां हुई तेज। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बिहार में नगरपालिका चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नए नगर निकायों के गठन का काम पूरा कर लिया गया है और अब आगे की तैयारियां भी की जाने लगी हैं, जिसके तहत ही उम्मीद की जा रही है कि सभी निकायों के वार्डों का परिसीमन का काम अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सितंबर में वोटर लिस्ट और बूथों के गठन का काम भी पूरा होने के आसार हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि अब तक 230 निकायों में वार्डों का परिसीमन हो चुका है, जबकि 134 नगर निकायों की मतदाता तैयार कर ली गई है। राज्य के 18 निकायों में वार्डों का परिसीमन व 164 निकायों में मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में 248 नगर निकायों में आम चुनाव कराया जाएगा। सीएम नीतीश ने बिजली बचाने के सुझाए उपाय। बिहार सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान ही सीएम नीतीश ने कहा कि यही अक्षय ऊर्जा है जो प्रकृति प्रदत्त है और यह रहेगा। हम लोगों ने शुरू से ही इस पर बल दिया है। जितने भी सरकारी भवन हैं उन सभी पर सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरण लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी सौर ऊर्जा से संबंधित यंत्र लगाया जा रहा है। इससे काफी लाभ होगा। सौर ऊर्जा से पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और पैसों की भी बचत होगी। अभी जो बिजली मिल रही है उसके उपयोग की एक सीमा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली बचाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर से बिहार आई NIA टीम, जारी है पूछताछ। हाल ही में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की बातें बिहार में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इसी बीच पूरे बिहार को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए NIA की टीम जम्मू कश्मीर से बिहार आ गई है और टीम पहुंचकर आतंकी कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। इस बीच शनिवार को NIA ने सिवान के मुफस्सिल थाने में बड़हिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ की रहने वाली एक महिला से काफी देर तक पूछताछ करते हुए देखी गई। हालांकि DSP ने इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आए NIA के DSP आरके पांडे के नेतृत्व में जिले में आतंकियों से कनेक्शन को लेकर छानबीन चल रही है। करीब 4-5 महीने पहले कश्मीर में एक युवक को बारूद और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। सार्वजनिक तालाब और अन्य जल स्रोत होंगे अतिक्रमण से मुक्त। बिहार के सभी सार्वजनिक तालाब और अन्य जल स्रोत को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक आहर पईन तालाब पोखर कुआं और चापा कलों को अधिक से अधिक चिन्हित कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अतिक्रमण मुक्त कराए गए जल संचयन क्षेत्रों के किनारे बसे गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करें और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यों को तेजी से पूरा करें। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक चापा कलों एवं कुओं के निकट सोख्ता के निर्माण कार्य में भी तेजी लाएं। इसको लेकर ही बीते दिन मुख्यमंत्री ने सीएम सचिवालय स्थित संवाद में जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
रिडिफाइन स्किन क्लिनिक में निःशुल्क स्किन एंड डेंटल कैंप में पहुंचकर लोगों ने लिया स्वास्थ्य संबंधी लाभ। रिडिफाइन स्किन क्लिनिक में निःशुल्क स्किन एंड डेंटल कैंप में पहुंचकर लोगों ने लिया स्वास्थ्य संबंधी लाभ। राजधानी पटना के कंकड़बाग पीसी कॉलोनी स्थित रिडिफाइन स्किन एंड डेंटल क्लिनिक की तरफ से आज यानी 24 जुलाई रविवार को निःशुल्क स्किन एवं डेंटल कैंप लगाया गया। इस कैंप के जरिए त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल सिन्हा और डेंटल सर्जन डॉक्टर अंकिता सिन्हा ने क्लिनिक पर आए रोगियों का निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान की। चर्म रोग से संबंधित कम से कम 20 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया, वहीं दांत से संबंधित 15 लोगों ने भी स्वास्थ्य लाभ लिया। 3400 उप निर्वाचन पदाधिकारियों का हुआ तबादला। इन दिनों बिहार में पदाधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन 3400 उप निर्वाचन पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। निर्वाचन विभाग ने तबादले की अधिसूचना जारी की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर 14 पदाधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। पटना उप निर्वाचन पदाधिकारी रत्नाम्बर निलय का तबादला मुंगेर किया गया है। वहीं नालंदा के उप निर्वाचन पदाधिकारी अलेन अरविंद डीन का तबादला सहरसा किया गया है। इनके अलावा जिन भी अधिकारियों का तबादला किया गया है उनके नाम की पूरी सूची निर्वाचन विभाग ने भेज दी है। बिहार में यहां 31 अगस्त तक पहुंचेगा गंगा का पानी। बिहार के विभिन्न जिलों में गंगा का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई जिलों में सफलतापूर्वक पानी पहुंचाने का काम कर भी दिया गया है, जिसके बाद अब नवादा शहर की बारी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जिलाधिकारी उदिता सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर गंगा जल उद्वह परियोजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। मोतनाजे ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा जल नवादा नगर परिषद क्षेत्र को 31 अगस्त तक सुलभ कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी निवासियों को लगातार पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए सभी सम्प हाउस को विस्तार किया जा रहा है। बिहार में PFI और अन्य कट्टरपंथी संगठन कर सकते हैं साजिश। केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB ने बिहार को लेकर हाल ही में अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार खासतौर से उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत 8 जिलों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। अलर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले कुछ लोग विशेष आयोजनों में हुजूम का हिस्सा बनकर शामिल हो सकते हैं और लोगों को अशांति फैलाने के लिए उकसा तथा भड़का सकते हैं। IB के इस अलर्ट के बाद राज्य की खुफिया एजेंसियों ने भी संबंधित जिला को चौकस रहने की हिदायत दी है। इतना ही नहीं, खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दंगा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा के बयान को भी आधार बनाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कही बड़ी बात। द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। हालांकि उससे ठीक पहले उनके राष्ट्रपति चुनाव जीतने से लगातार यह कहा जा रहा है कि देश में आदिवासी समाज को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान दिया गया है। इस बीच मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली में तैयारी भी शुरू हो गई है और देश के हर राज्य से आमंत्रित लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच रविवार को उन्होंने मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर बड़ी बात कही है। चौहान ने कहा कि यह खुशी की बात है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। उन्होंने मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता था वह हमारे देश की सबसे बड़ी नागरिक होंगी। जगदानंद सिंह के विवादित बयान पर सियासत हुई तेज। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच जगदानंद सिंह का एक और बयान सामने आया है, जहां पर ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा पाकिस्तानी एजेंट के रूप में पकड़े गए लोगों को RSS और हिंदुओं के शामिल होने के बयान पर भाजपा ने सख्त आपत्ति जताई है। इसको लेकर ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद में परिवारवाद के बोझ से दबकर जगदानंद सिंह मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यही वजह है कि जगदानंद समाजवादी नेता से परिवारवादी नेता बन गए हैं। नव समाजवाद के लालच में तीसरी पीढ़ी की नौकरी करने के लिए जगदानंद बेचैनी में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वहीं मंत्री जुवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी को एक्शन लेना चाहिए। नीतीश कुमार पर भड़के चिराग पासवान। नवादा जिले के कोआकोल थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में 17 जुलाई को रात्रि में एक घर में घुसकर लड़की के साथ की गई मारपीट का मामला अब राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद ही अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में अब LJP रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया है। नवादा पहुंचने के साथ ही पहले तो उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की, जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। आज से पहले किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी रात में पुलिस दरवाजा तोड़कर किसी के घर में नहीं घुसती है और बिहार के नवादा में बिना महिला कांस्टेबल के किसी के घर में घुसकर पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई, यह कहां का कानून है? इसका जवाब बिहार के CM नीतीश कुमार को देना होगा। नीरज चोपड़ा ने फिर से रचा इतिहास।
नीरज ने जेवलिन थ्रो फाइनल में 88.13 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल 90.46 मीटर के बेस्ट प्रयास के साथ जीता। अमेरिका के यूजीन में चल रही 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने का कमाल किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो फाउल रहा था। दूसरे थ्रो में नीरज ने 82.39 मीटर का थ्रो किया, तो वहीं तीसरे थ्रो में नीरज ने 86.37 मीटर भाला फेंका, तो वहीं चौथे प्रयास में नीरज ने 88.13 मीटर भाला फेंका, तो वहीं अपने पांचवें राउंड में फेल हो गए। वो दूसरे स्थान पर कायम रहकर सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। आज भारत की नजर सीरीज पर कब्जा करने की। पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम रविवार को जब दूसरे वनडे में जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। जानकारों की माने तो आज कप्तान शिखर धवन फिर दूसरी कतार में खड़े खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, ताकि 3 मैचों की सीरीज उनके नाम हो जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पहला वनडे 3 रन से जीता था। भारतीय टीम ने शुक्रवार को पहले वनडे में हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई, जिसमें धवन और वापसी करने वाले शुभमन गिल के बीच आक्रामक सलामी साझेदारी तथा मोहम्मद सिराज का अनुभवी मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में गेंदबाजी आक्रमण की सुहर्ता से अगुवाई करना शामिल है। गिल 19 से ज्यादा महीने के समय बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं, जिसके बाद आज भी टीम के शानदार प्रदर्शन की भी उम्मीद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है देवराज कुमार, मनीषा कुमारी, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, देवराज सिंह, रंकज सोना, प्रेम कुमार, राजा राज यादव, धनजी, मुन्ना यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है कि नीरज चोपड़ा की इस महान उपलब्धि पर आप उन्हें किस प्रकार से बधाई संदेश देना चाहेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।